الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا أعجزك إذ درسك ليه हमें सबसे पहले इस आयत करीमा को समझना होगा और उसके बाद जब हम इसको समझ लेंगे फिर बकिया जो किताब की इबारतें हैं उसका सिर्फ तर्जुमा करते जाएंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी क्योंकि सारी बातें इसी आयत करीमा से मुतल हैं ख़ास तौर से इसके स्ट्रक्चर के तरतीब कि कहाँ से अलग कर दीजिए तो क्या माना बन जाता है और कहाँ से अलग कर दीजिए तो क्या माना बन जाता है और उसी से दो माना वजूद में आते हैं आज यही जो टॉपिक है खामिशन इम्कानारतश मुत, क्या मुतशबे का इल्म कोई हासिल कर सकता है उसकी मारफत हो सकती है या नहीं या सिर्फ़ वो अल्लाह रब्लमी के लिए खास है इससे पहले जो गुफ्तु हुई थी महकमत की दो तारीफ़ की गई थी तो मतशबे की एक तारीफ तो ये थी कि जिसके एक से जायद मानी बनते हो एक से जायद मानी बनते हो एक सही एक गलत सही माना हमको लेना है महकम के अतबार से और दूसरा मतशबे का मफहम ये जिक्र किया गया था कि जिसका मफहम अल्लाह के अलावा कोई और ना जानता हो जैसा इस्लामी वगैरह मुतशाबे करार दिए गए तो ये मुतशाबे के दो तारीफ़ हुई थी एक में तो ऐसा है कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता और न जान सकता है और दूसरे के मफहम के एतबार से ये है कि उसका इल्म कुछ लोगों को हो सकता है और उसका सही माना और गलत माना जो है उसकी तमीज़ की जा सकती है कि ये माना इसका दुरुस्त है ये कल की बात में तमाम बातें आ चुकी आज ये है कि मतशे क्या कोई जान सकता है या नहीं इस सिलसिले में अहिल के दो कौल हैं एक तो ये है कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता मतशबे को और दूसरा ये है कि नहीं जान सकता अल्लाह के अलावा दूसरे लोग भी जान सकते हैं ख़ास तौर से वो लोग जो अहल इल्म हैं और दोनों के दलील यही आते कर रीमा वमायावी अल्ला वर्रा في العلم يقولون آمنا به. तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हम इस आयत करीमा को आयत करीमा के इस टुकड़े को पहले हल करते हैं देखिए यहाँ तक जो मामना वामा या आ, जी वामा या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही ना बस का... وما يعلم تاويله کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ چلی. وما يعلم تاويله اس کا ترجمہ وما من نهي يعلم تاويله علی يعلمون نہ وما يعلمون نہیں أنت हो उसकी तावील उसकी तफस़ीर उसका मफहम उसका मफहम नहीं जानता इल्ला मने मगर अल्लाह क्या तर्जुमा तो आप इसका करेंगे वमायम अल्लाह क्या तर्जुमा तो करेंगे बोलिए हाँ अल्लाह के अलावा कोई उसकी तावील तफसीर नहीं जानता वर्रा वा मने होता है और अर्रा से खून नफिल्म्रा से खून का मफूम होता है इल्म में जो पुख्ता होते हैं जिसको आप आलिम के एक, एक समझने के लिए आलिम बोल दीजिए रब्बानी बोल दीजिए बड़े आलिम बोल लीजिए इस तरह का तो आप इसको आलिम कह सकते हैं वर्रा से खून इम फिल्म या ये कि पुख्ता इल्म वाले वर्रा से खूना का माना क्या होता है पुख्ता जरा सा अगर आप चूके मेरी जानब से तो आप नहीं समझ सकते आप मेरे साथ रहेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे मेरा भी टाइम बच जाएगा वाओ माने और होता है अर्रा सिखू न फ़िल्म माने इल्म में पुख्ता लोग यूना यूना का माना क्या होता है वो कहते हैं वो कहते हैं कभी उसका तर्जुमा जो कहते हैं आमन्ना बी आमन्ना बी हम उस पर ईमान लाते हैं, हम उस पर ईमान लाते हैं या ईमान लाए हैं या ईमान रखते हैं ये पूरा समझ गए एक एक वर्ड का, का मतलब समझ गए वमा यामू नहीं जानता तवील उसकी तफसीर उसका अल्लाह अल्लाह के अलावा यानी अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता

और इल्म में जो पुख्ता हैं वो कहते हैं कि हम उस पर ईमान लाए बात समझ में आ गई अगर हम यहाँ वक्फ़े ना करें यहाँ के बजाय हम यहाँ वक्फे कर दें यानी उसका मफहूम कोई नहीं जानता मगर अल्लाह और पुख्ता इल्मे अगर यहाँ रुकते हैं तो यह होगा सिर्फ़ अल्लाह और यहाँ उसको इसको इसके साथ मिला करके यहां यहाँ रुकते हैं तो मफहूम क्या हो जाएगा उसका मफहम कोई नहीं समझता सिवाय अल्लाह के और पुख्ता इलम वाले दो मफहम हुआ बात समझ में आ रही ना मेरी अगर यहाँ रुकते हैं तो मफहूम होगा कि अल्लाह के अलावा कोई मुतशाबे का मफहम नहीं समझता उसकी तफसीर नहीं समझता और यहाँ वक्फ़े ना करके यहाँ वक्फ़े करें तो क्या माना होगा जी बोलना पड़ेगा मैं ज़्यादा बोलने के मूड में नहीं हूँ आज सिवाय अल्लाह और यहां रुकते हैं तो क्या मफूम बनेगा साथ? साथ सिर्फ से साथ बोलेंगे यहां रुकते हैं तो क्या मफह बनेगा उसमें देख के आप बोल सकते हैं क्या मफूम हुआ इसका अल्लाह के अलावा कोई उसका मफूम नहीं समझता लेकिन अगर हम यहां ना रोक करके यहां रुकें, तो क्या मफह बनेगा जानने वाले कितने हुए दो। अब दो हो गए अल्लाह और अल्लाह के साथ साथ जो पुख्ता इल्म वाले हैं वो भी मुतशाबे का माना समझते हैं बात समझ में आ रही ना यहाँ ये है उसकी ताविल किसकी की मुतशाबे की तावील मुतशाबे की तफसीर मुतशाबे का मफहम नहीं जानता मगर अल्लाह अगर यहाँ रुक जाए तो और अगर यहाँ रुकते हैं तो ये होगा कि नहीं जानते मतशबे का मफहम तफसीर सिवाए अल्लाह और पुख्त वाले के बात समझ में आ गई तो इस वक्त के एतबार से अगर करते हैं तो माना दूसरा है और नहीं करते तो माना दूसरा है है ना एकदम माना बदलना है ना इसी एतबार से अहिल इल्मे दो कौल है कि मतशाबे का इल्म अल्लाह के लिए का अल्लाह के लिए ख़ास है कि सिर्फ वही जानता है कोई और नहीं जान सकता और दूसरा कौल यह आता है कि अल्लाह जान सकता अल्लाह का तो इल्म है ही है लेकिन जो पुख्ता वाले भी हैं उनको भी मुतशाबे का इल्म हो सकता है समझ रहे हैं ना इसी वक्फ़ करने और ना करने की वजह से सवाल ये है कि ये यहाँ वक्फ़ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा वक्फ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा किसने कहा क्यों किया जाएगा जी बोले क्यों किया जाएगा आप ग्रामर के बारे से बात कीजिए क्योंकि जो इख्तलाफ हो रहा है कॉल में इसी ग्रामर की वजह से हो रहा है इस वाव के बारे में कि ये वाव कौन सा यहाँ से नया जुमला शुरू होगा या वाव अतफ़े है जैसे एंड के माने में आता है ना फला और फला आए जैद और बकर आए जैद और बकर आए और आ रहा है ना बीच में तो कभी कभी और जोड़ता है दो चीज़ों को और दोनों पर एक हुक्म लगता है कि जैद और बकर आए जैद और बकर ने खाया जैद और बकर खेले और कभी कभी होता है जैद आए और बकर गए और वहाँ पर भी है और का लफ्ज आया ना तो ये अतफ नहीं हुआ दो जुमले को अलग अलग करता है जोड़ता है कि यहाँ से एक जुमला है इस वाव के बाद से या इस और के बाद से एक नया जुमला शुरू होता है एक नया जुमला शुरू होता है तो अब ये वाव कौन सा है इसके इख्तलाफ की वजह से बाज़ लोगों ने इसको वाव आतफा माना है कि अच्फ है जब अचफ होगा तो यहाँ वक्फ जायज़ नहीं होगा बल्कि फिर यहाँ वक्फ करना पड़ेगा ठीक है अगर इस वाव को वाव आतफा मान लेते हैं। मैंने नीचे लिखा है वाव आतफा वाव आतफा वो होता है कि वाव दो लफ्ज़ के बीच में भी आता है दो जुमलों के बीच में भी आता है तो वाव आतफा के बाद तो दोनों पर एक ही हुक्म लगता है जैसे यहाँ जानने का हुक्म अल्लाह के लिए भी है और अल्रा से खुन के लिए भी है क्योंकि ये वाव आतिफ़ा अगर मानते हैं तो मफहूम क्या होगा कि मुतशाबे का और वावी अल्लाह और इल्म में जो पुख्ता लोग हैं वो जानते हैं। और वाव इसफ़ एक होता है इस्तिनाफ़िया में लिखा मैंने लिखा है वावे इसफ़िया आगे वो तमाम चीज़ें आ रही तो वाव इस नाफ़िया का मफहम यह होता है कि ऐसा वाव कि जिसके बाद से एक नई बात शुरू हो रही पिछले से उसका कोई ताल्लुक नहीं जैसे अगर इसको वाव इस्तनाफिया मान लेते हैं तो ऐसी सूरत में ये अलग हो जाएगा और यहाँ ये अलग हो जाएगा पीछे से उसका ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा बात समझ में आई बात समझ रहे हैं ना वाव आतिफ़ा का मफहोम क्या होता है एक ही हुक्म दोनों पर लग जाएगा वाव से पहले वाले लफ्ज़ पर और वाव के बाद वाले लफ्ज़ पर एक ही हुक्म जैसे यहाँ यालमु जानता है ये एक हुक्म है तो जानने का हुक्म वाव से पहले वाला जो लफ्ज़ उस पर भी और वाओ के बाद वाले लफ्ज़ पर भी एक ही लग जाएगा और इस्तेनाफ़िया अगर मान लेते हैं तो ऐसी सूरत में वाव से पहले वाले पर अलग हुक्म लगेगा और वाव के बाद वाले पर अब मुझे इतना बता दीजिए तो मैं समझ भी जाऊंगा कि मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई हम ये कहते हैं कि यहाँ वकफे कर लीजिए ठीक है जब यहाँ वकफ़े करते हैं तो वाव को क्या मानकर वक़े करते हैं इस्तेनाफिया क्या मानते हैं इस्तेनाफिया मानते हैं कि यहाँ एक जुमला मुकम्मल हो गया है और फिर यहाँ से दूसरा जुमला शुरू हो रहा है बात समझ में आ रही है और जब नहीं वक्फे करते बल्कि यहाँ वक्फे करते हैं तब वाव को क्या मानते हैं आतिफा अतफे से आतिफा ठीक है इसका मतलब यह हो गया कि वाव से पहले और वाव के बाद दोनों पर एक ही हुक्म लगेगा अब इस एतबार से इस वाव में बाद लोगों ने वाव आतिफा माना है तो इसी का तर्जुमा करते हुए ये दलील पकड़ा है कि मतशबे का मफहम अल्लाह तो जानता ही है अल्लाह के साथ साथ खून इल्म भी जानते हैं बात समझ में आ गई तो इसका मतलब ये हो गया कि मतशबे का मफहम अहले इल्म भी जान सकते हैं उसकी मारिफत का इम्कान है उसका जानना मुमकिन है ठीक है और अगर यहाँ वक्फ़ कर देते हैं इस वाव को आतिफा मा, नाफ़िया मान लेते हैं तो एक दूसरा कौल आता है कि बस अल्लाह ही मुतशाबे का मफहूम जानता है उसके अलावा अब कोई और नहीं जान सकता समझ गए ना अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तब मैं किताब पढ़ाऊँ ठीक है जजाक कौन नहीं समझे? अब हो जाएगा इंशाल्लाह, मैं तो। वो ऐसे ताजमा फट से कर लेंगे कि वो माय इल्म ताबील है इल्ला अल्लाह, जब इसको तो वादफा मान लेते हैं कि मुतसाबे का ताबील या मफ़ूम नहीं जानते मगर अल्लाह और पुख्ता लोग जो कहते हैं कि हम उस पर ईमान नहीं लाते हैं जो कहते हैं कि आमन्ना भी समझते भी हैं और कहते हैं क्या है आमन्ना भी हम उस पर ईमान लाते हैं अब समझ में आ गया अब मैं तर्जुमा करता हूँ और उस पूरी बहस को अपने सामने रखिए इंशाल्लाह बातें समझ में आती चली जाएंगी हेडिंग है इमकान और मारिफत इल मुतसाबे को जानने का इमकान है यानी कोई और जान सकता है या नहीं कहते हैं इख्तलाफ फलों गुलाम अहले इल्म का इख्तलाफ हलील मुतसाबे मिम्मा यूँकन इत्तलाए अला इल्मी आओ ला यागलमुह इल्ला कि मुतसाबे का इल्म किसी को हो सकता है मुमकिन है कि उसके इल्म को हासिल किया जा सके या सिर्फ़ उसका अल्लाह रबालमीन को है इस मामले में इल्म के तआला, अल्लाह त्लाह रबालमीन के इस कौल की वजह से कौन कौल है वर्र सिखु नफिल्मनबी इसी आयत करीमा की तफसर में चूँकि अहल इल्म का दो कौल है इसी बुनियाद पर जो हमारी हेडिंग है कि मतशबे को जानना मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है उसमें भी इतराफ़ हो गया है चूँकि इस आयत करीमा के मफहूम में तफसर में अख्तलाफ है इसी बुनियाद पर जो हमारी हेडिंग है कि मतशबे को जानना मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है उसमें भी इखतराफ ठीक अला कौल दो कौल القول الأول الاستئناف القول الأول أو الاستئناف الاستئناف تو بعض لوگوں واو استئناف کا مانا وذهب الى هذا القول اس قول کی جانب گئے ہیں جمہور الصحابہ اکثر واتباعهم म व ममबादूम वह असरवात अनबन अब्बा सौल कि वाऊ को इसनाफ़िया मान लिया जाए तो इसकी जानब जमहूर सहाबा अक्सर सहाबा क्राम का मानना यही है कि वो इस्तनाफ़िया और तब तबा तबइन और उनके बाद के लोग जो आए उन लोगों ने भी ज़्यादातर लोगों ने यही माना कि यहाँ वाव इस्तनाफ़िया किस वाव की बात चल रही है किस वाव की बात चल रही है खूना से पहले अल्लाह और ख़ुना के बीच में जो वाव है उसके सिलसिले में ज़्यादातर जम्हूर साहब कर राम ताब इन तबा ताब लोगों का मानना ये है कि वो इसनाफ़ का है यानी अल्लाह पर एक जुमला मुकम्मल हो जा रहा है और फिर वाव से दूसरा जुमला शुरू हो रहा है वस वू अश्रवायत इबन अब्बासी और इब्न अब्बासी त अनुमां की सही तरीन रवायत इसी सिलसिले में है कि वो जो मफहम बयान करते हैं वो इस्तनाफ़ वाला ही बयान करते हैं जब इस्तनाफ वाला बयान करते हैं तो क्या मफहम निकलेगा बताइए हाँ वामा तवी कि अल्लाह उसका मफहूम यानी मतशाबे का मफहम नहीं जानता मगर अल्लाह सिवाय अल्लाह के कोई और नहीं जानता वर्रफिल और इल्म में जो पुख्ता लोग हैं न नाम भी कहते हैं कि हम उस पर ईमान लाए तो इसका इससे क्या मफहम निकला कि मतशबे अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता है तो इसका मतलब उसको जानने का इम्कान भी नहीं हेडिंग हमारी क्या है क्या मुतशे को जानना मुमकिन है जवाब पहला कौल ये आया कि मतशबे को जानना मुमकिन ही नहीं है उसका आलमीन के लिए खास है और उन्होंने दलील कहाँ से पकड़ी है इसी आयत करीमा से और उसमें वाव को वाव इस्तेनाफी माना है इस बुनियाद पर बात सुन में आ गई अल अलफ़ दूसरा कौल अतफ़ का यानी वाव को क्या माना है अतफ का माना है तो ऐसी सूरत में क्या मफहम निकलेगा अल्लाह जानता है मुशाबे का मफहम को और वो लोग जानते हैं जो इलम में पुख्ता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतशबे को जानना मुमकिन है बशर्ते के इल्म में पुख्ता होना चाहिए अल्लाह के अलावा दूसरे लोगों को लोग भी मतशबे के मफहम को जान सकते हैं फिल इल्म अर्रास यानी इल्म में पुख्ता ये दूसरा मफहोम में ये आया इन इस चीज़ को ये मफहोम किसने लिया है अखरजा अब्दुल्बी हमैदाहिद रही फीकोल ताला व्र्रासी नफिल्म ये इमाम मुजाहिद रिमल्ला ताबीई हैं उन्होंने अर्रा फिल नफिल्म से ये मफ़ूम लिया है कि इसके अंदर वाव जो है वो अतफ का है लिहाजा इसका मफहम होगा कि फिल अर्रा सिखों नफिल्म यकूलून तवील यामना कि किल में जो पुख्ता लोग हैं वो उसके मफहूम को भी जानते हैं और वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, लाए। इला कौल ताइफतुन यसीरा इस कौल को बहुत मामूली जमात ने अपना अपनाया है यसीरा बहुत मामूली जमात ने इस कौल को अपनाया है यानी यानि वाउफ़ वाला कि अल्लाह भी जानता है और रासिकन नफिल्म भी जानते हैं मिनहम शेख उतम रहा शेख उमत रहमल्ह भी इस दूसरे कौल के मुआफ़ हैं मुआफ़त की है आपने कि मतशाबे का मफहम अल्लाह भी जानता है और जो इल्म में पुख्ता होते हैं वो भी जानते हैं दोनों की दलील क्या है एक ही आयत करीमा है ना वजह दोनों के कौल में चूंकि इख्लाफ है तो अख्तलाफ़ की वजह क्या बनी है वाओ ग्रामर के अतबार से वाओ यहाँ पर आतफा है या इस्तेनाफिया है अगर जिन लोगों ने इस्तनाफ़िया मान लिया है तो उन लोगों ने यह माना है कि अल्लाह के अलावा कोई और मत का मफहम नहीं समझ सकता और जिन लोगों ने उसको का माना है तो उनके नज़दीक उतशाबे का मफहम अल्लाह तो जानता ही है और वो लोग भी जानते हैं जो इल्म में पुख्ता अब जो बातें मैंने कही हैं आगे अस्तद्लावजी हेडिंग है उसी आयत की तौजीह करते हुए यहाँ ज़िक्र की गई है वही बातें यहाँ पर की गई मैं इसको चूँकि पूरा मफहम जिक्र कर दिया मैंने इसलिए उसको यहाँ छोड़ता हूँ तो अब दो चीज़ें आ गई कि एक कौल ये है कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता मत के मफहम को जिसको अक्सर सहाब करामबीन तबा ताब ने अपनाया है और ख़ास तौर उसमें अब्बास अबाला तैनुमा और दूसरा कौल ये है कि अल्लाह के अलावा और वो लोग भी जान सकते हैं जिन जो इल्म में पुख्ता हैं रासिक हैं तो ये कौल भी लोग अहले इल्म का है लेकिन ये जमात मख्तसर है आ, इमाम मुजाहिद रह जो तबई हैं उनका कौल है और इनके साथ एक मख्तसर जमात भी है और उन्हीं में से शेखुल शेख उमिन रिम्ला है अब आगे वजह इख्तलाफ़ सबब अख्तिलाफ़ बैन अकौल क्या या दोनों कौल के माबे अखिलाफ का सबब क्या है वो मैंने पढ़ा दिया आपको क्या है वाव जिन्होंने आतफ़ा माना उन्होंने ये कह दिया कि अल्लाह उसके अलावा दूसरे अहले इल्म भी मत का मफूम को समझते हैं और जिन लोगों ने यह कहा कि वाव इजनाफ़ का है उन लोगों ने ये कहा कि अल्लाह के अलावा कोई और मत का मफहम नहीं समझ सकता सबबुलख्तलाफ बीक दोनों कौल के माबे अख्तिलाफ़ का सबब क्या है कहते हुमा फिल इल्म खून नफ़िलना भी यही आयत करीमा है कौल अल्लाह तआला से फिल इल्म सबब इख्तलाफ दोनों कौल अलग अलग होने की वजह जो है उनके दरमियान जो इख्तलाफ हुआ है वह अल्लाह आलमीन के कौल वर्रा फिल इल्म में जो वाव है उसके सिलसिले में इख्तलाफ हुआ है अम, अम, इस्तनाफिया वाव आतिफ़ा का है या इस्तनाफ़िया का है फ़ाला कऊल अनवा आतफा जिन लोगों ने यह कहा कि वाव आतिफ़ा का है तो तकून कलम्रास खून मतूफ़त तो ऐसी सूरत में अ्राश खून का जो कलमा है वो इला पर अतफ़ होगा इलाह पर अफ़ होगा अगर वाव आतफ़ा का मानते हैं तो अस खूना अल्लाह पर क्या होगा अतफ़ होगा अपने पहले वाले लफ्ज़ पर وہ عطفے ہوگا یعنی دونوں کا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله وجملة يقول حال أو أسكبا يقولون آمنا به حال واقع هو جايغا فيوقف على كلمة العلم أي سي سورة من علم بر وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وواتفا ما تو علم بر وقت كي جايغا يقولون آمنا به यानी उस मतशाबे का मफहूम नहीं जानते हैं मगर अल्लाह और पुख्ता लोग युना आमन्ना भी इस हाल में कि जो कहते हैं कि हम उस पर ईमान भी लाए व आना कौल इनवाऊतनाफ़िया और उन लोगों कौल के एतबार से जो ये कहते हैं कि वास्तनाफ़िया है तकन कलम तो्रास तो ऐसी सूरत में अर्रास वाला जो कलमा है ये मुबतदा होगा यानी यहाँ से नए जुमले का आगाज़ हो जाएगा व जुमला तू यक़ुल आमन्ना भी और यक़ुला आमन्ना बी वाला जुमला यह ख़बर हो जाएगा यानी अर्रशू न फ़िल्म ये मुतदा और यूलुना आमन्ना भी ये क्या होगी खबर ग्रामाण चीज़ें आ चुकी हैं ना कि खबर कभी मुफरत होती और कभी जुमले की शक्ल में होती ये तमाम बातें आ चुकी होंगी फयुक फाल लफ्दा तो जब इस्तेनाफ़िया मानेंगे तो पर वक्फ़ करना पड़ेगा वमा यअलमु यहम तवील हो रुकना ज़रूरी है उसके बाद वर्रा से नफ़िल्म ना मना मन भी वालक जुमला पढ़ा जाएगा वअला व्माना इस एतबार से माना यह होगा कि यअलमु तवीला कि अल्लाह अकेले मतशाबे का मफहूम जानता है वअम्मा रासिखून फिल इल्म और जहाँ तक इल्म में पुख्ता लोगों की बात है फ़ला यामू न तवीलू वो लोग मतशबे का मफहम नहीं जानते व इन नबी और वो लोग उस पर ईमान रखते हैं बात समझ में आ रही ना मेरी जो मैंने समझाया है वही तमाम बातें यहाँ हैं अब सवाल ये है कि कौन सा कौल सही क्या मतशबे का मफहम सिर्फ़ अल्लाह जानता है कोई और नहीं जानता या फिर यह है कि अल्लाह जानता है और साथ में अहले इल्म भी जानते हैं दोनों में से कौन कौल सही है तो कहते हैं कि अगर देखा जाए तो दोनों कौल में कोई इख्तलाफ नहीं है दोनों एक दूसरे के मुआफ़ हो सकते हैं अल कोबेन दोनों कौल के माबे मुआफ़त मुताबिकत यानी ऐसी तोजीह की जाए कि दोनों सही साबित हो जाए एक दूसरे के मुखालिफ नज़र ना आए अपोज़िट नज़र ना आए المتامل في اقوال الطائفين طائفتين من اهل الحق يتوصل الى ان قولهما يؤول الى قول واحد لانه لا خلاف بين سلف الامه في موضوع المشابهة متشابهات من القران कहते हैं दोनों जो اهل حق है بن عباس الله تعالى ان اهل حق هي और जो दूसरा कौल मुराद ले रहे हैं वह वा इस्तेनाफ़िया वाला कि अल्लाह भी जानता और अहिल भी जानते हैं तो ये कौल भी अहल हक का है कोई ऐसा नहीं कि गुमराह फिर के लोग हैं शेख उमतम रहमोल्ला है मुजाहिद रह हैं तो ये सब अहिल हक ही में से हैं लहा एक के कौल को दूसरे के अतबार से मिला कर देखा जाएगा और तोजी ऐसी की जाए कि दोनों का माना सही साबित हो जाए तोज़ी क्योंकि दोनों अहल हक़ हैं कोई बातिल पर नहीं तो इन्होंने जो की है एक तो ये है कि जिन लोगों ने कहा कि मा या तवीसीख नफिलु नामन्ना भी की तवील मतशाबे का मफहूम और तफसीर सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता और अर्रा सिख नफिल्मिलु ना मन्ना भी और जो इल्म पुख्ता लोग हैं वो कहते हैं कि हम ईमान लाए तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता तो इसका मफहम ये है कि मुतशाबी की हकीकी मफहम कोई नहीं जानता लेकिन लफ्ज़ी माना और मुराद लोग जान सकते हैं यानी उसका हकीकी मफहम क्या होगा वो कोई नहीं जान सकता लेकिन ज़ाहिरी जो मफहम है लफजी लफ्ज़ का माना लफ्ज़ का तर्जुमा उसको इल्म जान सकते हैं इसकी मिसाल में दे, दे, जैसे मैंने कल लिया था और अरश तवा और अरशिस्तवा इमाम मलिक रहा ने क्या फ़रमाया था अलतवा मालूम उन और वलकैफ़ मजहुल तो अब इसतवा ये मुतशाब लफ्ज है अब उसका हकीकी मफहम अल्लाह जानता है कैसे बैठा वो अल्लाह जानता है लेकिन ज़ाहरी मफहम जो आता है इस तवा का जो माना है उसको अहिल -एल जानते हैं बात समझ आ रही ना अब इस एतबार से अगर आप देखो दोनों का कौल सही होगा कि नहीं सही हो गया जिन लोगों ने कहा कि सिर्फ़ अल्लाह जानता है अहिल नहीं जानते मुतशाबे का मफहम तो उन लोगों ने इस एतबार से किया कहा है कि मतशबे का हकीकी मफूमूम अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता जैसे इस का हकीीकी मफूम अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता लेकिन माना इसतवा का माना जो है उसको अहले इल जानते हैं तो जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह भी जानता है और अहर इल्म जानता है उनका कौल इस एतबार से होगा कि उन्होंने इस माने को सामने रखा है कि उसका माना अल्लाह भी जानता है और अहिल इल्म भी जानते हैं और जिन लोगों ने कहा कि सिर्फ अल्लाह जानता है उनकी में यह है कि उनका उसका हकीकी मफहम सिर्फ अल्लाह जानता है तो कोई टकराव है नहीं बात मेरी समझ में आ रही तो तदबीक जो उन्होंने दिया है इसमें कोई टकराव आ रहा है सामने जिन लोगों ने कहा कि सिवाय अल्लाह के कोई और नहीं जानता तो उन्होंने मुराद क्या लिया है कि मुतशाबे का हकीकी मफहम अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता जैसे इस्तवा का हकीीकी मफहम अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता सही है और जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह जानता है और अहिल इल भी जानते हैं तो उन लोगों की मुराद ये है कि इसतवा का जो माना है लफ्जी माना जो हुआ करता है उसको अल्लाह भी जानता है और अहले इल्म भी जानते हैं लेकिन हकीकी मफह इनके यहाँ नहीं अब कोई इख्तिलाफ़ रह गया दोनों कौल में नहीं रह गया ना तो बात यही है कि हकीकी मफोम मतशाबे का अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता और जो है लफ्ज के माना के अतबार से अहले इल्म जान सकते हैं लेकिन इल्म जितना पुख्ता होगा उसी क़दर जानेंगे कोई जरूरी नहीं कि तमाम चीज़ों का इल्म इल्मे कि बाज़ ऐसे मुतशाबे हैं जिसके बारे में बयान कर दिया गया है कि उसका इल्म किसी को नहीं जैसे हरूफ मुकत्त तो उसके बारे में गौर फिक्र करने की ज़रूरत भी नहीं है उसको फिर कोई नहीं जान सकता